सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिट मानजीत। तो गाइस, आप सभी की डिमांड पे लेके आए हैं आज हम चेस्ट वर्कआउट, और वो भी घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, जिम में भी परफॉर्म कर सकते हैं और किसी पार्क में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने इतना सारा प्यार दिया मेरे वर्कआउट को, बाइसेप्स वाले को, तो मुझे ये बनानी पड़ी। और आज हमारे साथ है खिलाड़ी भैया। कौन? खिलाड़ी ब्रैंक। देख रहे हो बाइसेप्स? तो यार, हमने डिसाइड किया था कि हम भाई जिम जब ऑन होगा तभी वर्कआउट करेंगे। फिर हमने सोचा यार ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि इसको भी बहुत जल्दी अब कंपटीशन खेलना है भाई को, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है मेरे को भी। तो हमने सोचा पहले हम होम वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं, और जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ही उसमें मतलब हमें फील आता है, मज़ा आता है। आप सबको भी आने वाला है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। रेडी? यस। करें? ऑलवेज। ओके, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, बताता हूँ कौन सी है। लेट जाओ पहले, तो डंबल लेके आप रुक जाओ पहले। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले आप अच्छे से अपने जॉइंट्स को, जो आपके जॉइंट्स हैं उनको वार्म अप कर लें, और उसके बाद ही परफॉर्म करें। अगर हम जॉइंट्स को अच्छे से वार्म अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंजरी होने का थोड़ा सा खतरा होता है। तो पहले अच्छे से इनको गर्म कर लें, अच्छे से वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद। मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है हमने पहले, उसके बाद ही हम आए हैं। चलो, 10-10 किलो के डंबल है, सब पूछ रहे थे कितने के, तो 10-10 किलो के आप 7.5 के भी ले सकते हो, 5 के भी ले सकते हो, जैसे आपके पास है। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे हमारी, तो गाइस अब हम करने वाले हैं फ्लैट डंबल प्रेस 20 रेपिटेशन। चलो, 1-2, चेस्ट पूरी टाइट रहेगी आपकी, 3-4 आराम से, 5-6-7-8 चेस्ट अप, 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 and 20। रुको, अब इसी के साथ हम परफॉर्म करने वाले हैं डंबल फ्लाई। सो डंबल फ्लाई लगाओ 20 रेपिटेशन, सेम चेस्ट पूरी स्ट्रेच एंड अप, 1-2 चेस्ट टाइट, 3-4-5-6-7 फील करो, 8 आपको फील करना है अपने पूरे मसल्स को, 9-10 मो, 1-2-3-4-5-6-7 फील आ रहा है, 8 yes. चलो 9-10 बहुत बढ़िया, रख दीजिए। तुरंत इसके बाद आपने करना है अपने मसल को अच्छे से स्ट्रेच एंड फ्लेक्स। पहले हम फ्लेक्स करेंगे मोस्ट मस्कुलर। चलो, ये वाला, ये लो चेस्ट, पूरी चेस्ट को टाइट करना है अच्छे से। इसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है आप, कोई भी, जैसे कि मैं दीवार हूँ, दीवार को पकड़ो, हाथ लगाओ, यहाँ से पूरा स्ट्रेच करो, ये दूसरी साइड से भी, ये। और आप भाई होंगे शर्टलेस और दिखाएंगे कि कैसा पंप आया है चेस्ट में, तो दिखाओ जल्दी से। नाइस, अब करो फ्लेक्स साइड चेस्ट। हमें हर सेट के बाद अपने मसल को फ्लेक्स करना है और स्ट्रेच करना है, याद रखिए। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज, इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, फिर आपकी पहली जो एक्सरसाइज होगी वो फिनिश हो जाएगी, फिर हम चलेंगे इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो भाई, दूसरी एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक्सरसाइज के साथ साथ आपका जो डाइट है वो भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को बिल्ड करने में। और जब आपका डाइट अच्छा होगा तभी होगा जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और डाइजेशन अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट लेके आया हूँ, जिसका नाम है जेनिथ न्यूट्रिशन करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन आपकी हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है, ये आपकी बॉडी में फैट लॉस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के और आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करके, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करता है, ये हल्दी के जड़ का एक बायोएक्टिव कंपाउंड है। जेनिथ न्यूट्रिशन के करक्यूमिन प्लस में करक्यूमिन की बिल्कुल एडवांस फॉर्म है, जिसमें पाइपरीन भी है जो कि काली मिर्च का एक एडवांस कंपाउंड है। ये सप्लीमेंट 100% नेचुरल है, निगलने में आसान है, प्रिजर्वेटिव, सोए, कॉर्न, डेयरी ईस्ट और ग्लूटेन फ्री है। इसकी क्वालिटी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया है इसके असर को बढ़ाने के लिए। ये हेल्दी इन्फ्लेमेशन लेवल को भी सपोर्ट करता है और एक प्रोटेक्टिव रोल को भी प्ले करता है। तो गाइस, वेट किसका कर रहे हैं, जाइए और जाके बाय कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने डाइजेशन को करें। अच्छा, तो अब हम चलेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि भाई परफॉर्म करेंगे। चलो, हैंग प्रेसेस। चलो, लेट जाओ, सेम 20 रेपिटेशन, चेस्ट अप, चेस्ट को पूरा टाइट रखेंगे हम। चलो, 1 आराम से, 2 आराम से, टच कर लो डंबल को पूरा कंफर्टेबल,
सिक्स हाँ भाई क्या कर रहे हो, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व चेस्ट अप थर्टीन इसका बैलेंस भी चलो चलो कोई बात नहीं चलो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रख दो। इसके साथ हमने परफॉर्म करनी है 20 पुशअप्स। चलो और वो कैसे लेंगे, हम डंबल के ऊपर ही लेंगे। चलो डंबल को नीचे पकड़ो और चलो स्टार्ट करो चेस्ट अप। चलो 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नीचे 12 ये 13 14 15 16 पूरे ऊपर 18 19 20 बढ़िया। आई थिंक मैं आगे पीछे हो गया गिनती में थोड़ा। कैमरामैन अप 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 ठीक है। तो हम फिर से फ्लैक्स करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था हर सेट के बाद आपने अच्छे से फ्लैक्स करना अपने मसल। और मैं यहाँ पे एक एक सेट करके दिखा रहा हूँ, बट आपको इनके तीन तीन सेट लेने हैं और ये सेम रेपुटेशन। बिल्कुल। तो अब हम फ्लैक्स करेंगे। चेस्ट अप दबाओ मारो साइड चेस्ट। साइड चेस्ट के लिए चेस्ट अप दबाओ चेस्ट अप दबाओ अप बढ़िया। और गाइज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम मसल को फ्लैक्स क्यों करें, क्या फ़ायदा होता है। तो मैं बताता हूँ, फ़ायदा ये होता है कि जिस मसल को हम ट्रेन करते हैं उसमें जितना ज़्यादा हम पंप ला सके, जितना हमारा जो मसल है उसमें ब्लड जा सके, जितना ब्लड जाएगा ऑटोमेटिकली उतनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे उस मसल को प्रोवाइड होगी और वो ग्रोथ करेगा। तो ये होता है एक फैक्टर। और दूसरी चीज़, हम पोजिंग हमारी उसमें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। कहीं भी हम पोज डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे दिखेंगे नॉर्मल बंदे से जिसको पोजिंग करनी नहीं आती है। तो अब हम चलते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज पे, जो कि है पुल ओवर। फ्लैट पुल ओवर हम लगाने वाले हैं। चलो 10 किलो का डंबल उठाओ। सो गाइस परफॉर्म आपने इस तरीके से करनी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आपने पूरा फील करना है हमारे चेस्ट पे, अपनी जो चेस्ट है उसको पूरा ऊपर आके पूरा स्ट्रेच करना है, फ्लैक्स करना है। ये वन बहुत बढ़िया। इसके हमने लेने 20 रेपिटेशन। इसको टच करना है देन अप। चलो बहुत अच्छा। चलो सीधा रहो, चेस्ट को पूरा टाइट टाइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 बहुत बढ़िया। 20 रेपिटेशन। चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो जाएगा हो जाएगा। अब चेस्ट अप चेस्ट बाहर को पूरी। चलो उठो, इसके तुरंत बाद आपने स्टार्ट करने। चलो उठाओ, चलो रेस्ट आपने देना नहीं है साथो साथ। चलो 20 रेपिटेशन। 1 2 चेस्ट करो अप चेस्ट पूरा बाहर। 3 4 5 6 चेस्ट अप चेस्ट को एक एक करके लगाओ। अगर आपसे एक साथ ना लगे, आपको ज़्यादा पावर फील हो रही हो तो एक एक करके आप लगा सकते हैं। थकान फील हो रही हो सॉरी, पूरा चेस्ट को दबाना है आपने, पूरी चेस्ट को दबाना है जैसे खिलाड़ी भैया दबा रहे हैं। चलो बहुत अच्छे। चेस्ट अप चेस्ट अप चेस्ट को दबाना पूरा। ये बढ़िया। चलो ये चलो ये चलो ये रख लो फ्लैक्स मोस्ट पॉपुलर। मुंडी ऊपर ऊपर दबाओ चेस्ट को पूरा प्रेस करो। आपका बाइसेप्स भी टाइट होना चाहिए, चेस्ट भी टाइट होना चाहिए और आपके डेल्टॉइड जो है वो भी टाइट होना चाहिए। मैं सुधी पोज करके दिखाते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट करवा रहे हैं। चलो राइट। और हम पोजिंग पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला है, स्पेशली आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आती है पोजिंग के ऊपर कि भाई पोजिंग बताओ कैसे करनी है क्या करनी है। तो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो गाइस इसी के साथ होती है हमारी वर्कआउट फिनिश। आप इस वर्कआउट को अपने घर में, जिम में या फिर पार्क में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। जितनी हमने एक्सरसाइज करी है वो हमने दिखाया है, उस सभी एक्सरसाइज का आपने तीन तीन सेट लेने हैं। हमारी तीन एक्सरसाइज है, उन सबके तीन तीन सेट लेने हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा पंप आने वाला है अपनी चेस्ट में। इसको ट्राई फिर से ज़रूर करना मैं बोलूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भाई का चैनल खिलाड़ी प्रैंक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, प्रैंक मारता बहुत तगड़े तगड़े है ना। देख लेना यहाँ पे नाम यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, कर लेना खिलाड़ी प्रैंक मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच, मेरे को भी यार, मेरे गरीब को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे कैसे और फिटनेस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तुम्हारा भाई लेके आएगा। क्योंकि बहुत सारा 8 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आपको मैं बता सकूँ ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाड़ी।